brought to you by Infinix. अरे पगली, टेंशन मत ले, Infinix स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। ऑस्कर फिल्मी दुनिया में दिए जाने वाले पुरस्कारों में सबसे बड़ा नाम। हर साल जब ये पुरस्कार दिए जाते हैं, विजेता मंच पर आकर आभार व्यक्त करता है, जनता को, अपने सहकर्मियों को, ईश्वर को धन्यवाद देता है। साल 1966 से 2016 के बीच ऑस्कर में जितने भाषण दिए गए, उनमें सबसे ज्यादा बार जो नाम लिया गया वो था जुरासिक पार्क जैसी ब्लॉकबस्टर और शिंडलर्स लिस्ट जैसी महान फिल्म देने वाले डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग का, पूरे 43 बार। दूसरे नंबर पर दो लोग थे जिन्हें 34 भाषणों में धन्यवाद दिया गया। एक था ईश्वर यानी गॉड और दूसरा हार्वी वाइनस्टीन। ईश्वर से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन ये दूसरा नाम कौन है? हार्वी वाइनस्टीन को कभी हॉलीवुड का किंग कहा जाता था। ब्रैड पिट, टॉम हैंक्स जैसे फिल्मी सितारे हों या क्वेंटिन टेरेंटिनो जैसे निर्देशक, फिल्मी दुनिया का हर कद्दावर एक्टर उसके साथ काम करने के लिए आतुर रहता था। जिस फिल्म से उसका नाम जुड़ जाए, वो टिकट खिड़की पर हंगामा काटती थी। पिछले 50 सालों में 80 ऑस्कर पुरस्कार उसके नाम के साथ जुड़ी फिल्मों को मिले थे। हार्वी वाइनस्टीन का रुतबा सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। उनका नाम अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से भी जुड़ा था, जहां उन्होंने बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के चुनाव प्रचार के लिए पैसा जुटाया। उनके तौर तरीकों पर कई बार उंगलियां भी उठी, लेकिन सीधे तौर पर कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। सबको पता था हार्वी से पंगा लेने का मतलब करियर का खात्मा। फिर वक्त बदला, साल 2016 में मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई। मीडिया की दुनिया के कई नामों से सफेदी उतरी, इनमें से एक नाम हार्वी वाइनस्टीन का भी था। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट ने वाइनस्टीन के सारे काले कारनामों को बाहर ला दिया। पता चला कि हॉलीवुड का किंग असल में एक शिकारी था और उसका शिकार होती थी फिल्म में काम करने की इच्छा रखने वाली लड़कियाँ। ऐसी एक लड़की का कहना था, जैसे शेर सबसे कमजोर शिकार को चुनता है, वैसे ही हार्वी नई और हॉलीवुड में कम रसूख रखने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। उसके चेहरे पर मानो नाइट गॉगल लगे रहते थे, जिससे वो पहचान लेता कि किस लड़की को अपना शिकार बनाना है और किसे नहीं। आज हम आपको बताएंगे हार्वी वाइनस्टीन कैसे इतना ताकतवर बन गया, कैसे वो नौजवान लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और कैसे उसका एक काला सच सबके सामने आ पाया। 1980 के दशक में पहली बार हार्वी वाइनस्टीन का नाम हॉलीवुड से जुड़ा। उसने अपने भाई बॉब वाइनस्टीन के साथ मिलकर मीरामैक्स नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। मीरामैक्स इंडिपेंडेंट आर्ट हाउस फिल्में बनाती थी। 1993 में मीरामैक्स ने डिज्नी के साथ एक बड़ी डील की और अगले ही साल अपनी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज की। इस फिल्म का नाम था पल्प फिक्शन, जिसे क्वेंटिन टेरेंटिनो ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धुआं काटा कि रातों रात वाइनस्टीन हॉलीवुड का चहेता बन गया। आने वाले सालों में उसने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। इनमें गुड विल हंटिंग और शेक्सपियर इन लव जैसी फिल्में भी शामिल थीं, जिन्होंने कई ऑस्कर भी अपने नाम किए। साल 2005 में दोनों भाइयों ने मीरामैक्स छोड़कर द वाइनस्टीन कंपनी नाम से अपना फिल्म स्टूडियो शुरू किया। इस स्टूडियो ने जैंगो अनचेंज्ड, किंग्स स्पीच, सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक, इनग्लोरियस बास्टर जैसी फिल्में रिलीज की। इन फिल्मों ने भी न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि कई ऑस्कर जीतने में भी सफल हुई। इस सफलता ने हार्वी वाइनस्टीन को हॉलीवुड की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक बना दिया। फ्रांस और ब्रिटेन की सरकार उसे सम्मानित कर रही थी, वहीं बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के लिए फंड जुटाकर वो अपनी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ा रहा था। कहते हैं 2016 से पहले वाइनस्टीन हॉलीवुड में वो ओहदा रखता था, जहां वो लोगों की किस्मत बना और बिगाड़ सकता था। नए कलाकार हार्वी के साथ एक बार काम करने के लिए मरे जाते थे, लेकिन शोहरत की इस चमक धमक के पीछे छुपा था एक काला सच, जिसे वाइनस्टीन किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहता था। क्या था ये सच? हार्वी वाइनस्टीन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर फिल्मों में काम करने की इच्छा रखने वाली लड़कियों का यौन शोषण करता था। ये बात हॉलीवुड में एक ओपन सीक्रेट थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ कह सकें, लिख सकें। फिर 5 सितंबर 2017 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने हार्वी वाइनस्टीन के काले कारनामों पर एक रिपोर्ट छापी। पत्रकारिता की ताकत का इस रिपोर्ट से अच्छा नमूना नहीं हो सकता, जिसने हॉलीवुड की एक ताकतवर शख्सियत के घुटने टिकवा दिए। वाइनस्टीन की सच्चाई को सामने लाने वाली थी न्यूयॉर्क टाइम्स की दो महिला पत्रकार जोडी कैंटोर और मेगन टूहे। दोनों को इस रिपोर्ट के लिए साल 2018 का पुलित्जर प्राइज भी मिला। क्या था इस रिपोर्ट में?
जोडी और मेगन कई सालों से वाइनस्टीन की असलियत सामने लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई भी खुलकर उसके बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं था। फिर दोनों की मुलाकात हुई ग्विनेथ पेल्ट्रो से। ये वही अदाकारा हैं जो मार्वल की फिल्मों में पेपर पॉट्स यानी आयरन मैन टोनी स्टार्क की पत्नी का किरदार निभाती हैं। पेल्ट्रो ने दोनों को बताया कि सालों पहले वाइनस्टीन ने उन्हें अपने होटल में बुलाकर उनका यौन शोषण किया था। 22 साल की ग्विनेथ तब वाइनस्टीन की एमा नाम की फिल्म के लिए काम कर रही थी। वो बताती हैं कि उन्होंने ये बात अपने तब के बॉयफ्रेंड ब्रैड पिट को बताई थी और पिट ने जाकर वाइनस्टीन को खूब खरी खोटी भी सुनाई। इसके बावजूद वाइनस्टीन ने पेल्ट्रो को फ़ोन कर अपनी जबान बंद रखने की धमकी दी और कहा कि ऐसा हुआ तो वो उसका करियर बर्बाद कर देगा। वो बताती हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी, इसलिए वाइनस्टीन के डर से चुप रहीं। पेल्ट्रो के सामने आने के बाद एंजेलिना जोली ने भी अपनी आपबीती बयां की। एंजेलिना ने 1998 में हार्वी के साथ एक पिक्चर साइन की थी, जिस दौरान उसने एंजेलिना को अपने होटल में बुलाकर अभद्र इशारे किए थे। जोली का कहना है कि इस घटना के बाद उन्होंने वाइनस्टीन के साथ काम न करने का फैसला लिया और साल 2009 में हार्वी को लेकर उनका अपने बॉयफ्रेंड ब्रैड पिट से भी काफ़ी झगड़ा हुआ था। पिट ने तब टेरेंटिनो की फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड साइन की थी और इस फिल्म से वाइनस्टीन का नाम भी जुड़ा हुआ था। एंजेलिना जोली और ग्विनेथ पेल्ट्रो के अलावा वाइनस्टीन द्वारा पीड़ित लड़कियों में कई और नाम भी शामिल थे, जिनमें से मुख्य हैं मार्वल स्टूडियोज़ की इंटरनल फिल्म में एजिक का किरदार निभाने वाली सलमा हायक, थॉर फिल्म में हिला का किरदार निभाने वाली केट ब्लांचेट और गेम ऑफ थ्रोन्स में सर्सी लेनिस्टर का किरदार निभाने वाली लेना हेडे। इस लिस्ट में एक नाम भारत से भी है, ऐश्वर्या राय का। साल 2003 में ऐश्वर्या ने ब्राइड एंड प्रेजुडिस नाम की एक हॉलीवुड फिल्म साइन की थी। वाइनस्टीन की कंपनी मीरामैक्स ने अमेरिका में इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार खरीदे थे। इस फिल्म से जुड़ी एक प्रोड्यूसर सिमोन शेफील्ड बताती हैं कि इसी दौरान ऐश्वर्या और उनकी मुलाकात वाइनस्टीन से एक पार्टी में हुई थी और वाइनस्टीन ने सिमोन से अकेले में कहा था, ऐश्वर्या के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताने के लिए मुझे क्या करना होगा। सिमोन बताती हैं कि उन्होंने वाइनस्टीन को तब खूब खरी खोटी सुनाई थी और आगे से ऐश्वर्या को कभी उससे अकेले मिलने नहीं दिया। हार्वी वाइनस्टीन का इस पर क्या कहना था? शुरुआत में वाइनस्टीन ने रिपोर्ट पर सफाई देते हुए कहा कि वो अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा है, लेकिन उसने यौन शोषण के किसी भी इल्जाम को सिरे से नकार दिया। लेकिन जिन बोतल से बाहर निकल चुका था, आने वाले दिनों में 70 से अधिक लड़कियों ने हार्वी की असलियत मीडिया के सामने बयां की। इन रिपोर्ट्स में एक और बात सामने आई, न्यूयॉर्कर मैगजीन ने अपनी तहकीकात में पाया कि हार्वी वाइनस्टीन इन लड़कियों की जासूसी कराता था। इसके लिए उसने इसराइल की एक कंपनी ब्लैक क्यूब को ठेका दिया हुआ था, जिस काम के लिए मोसाद के पूर्व एजेंट्स का इस्तेमाल करती थी और ऐसी लड़कियों की प्रोफाइल बनाकर हार्वी को देती थी। इनमें से एक थी रोज मैकगाउन, जिन्होंने वाइनस्टीन पर बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया था। न्यूयॉर्कर की रिपोर्ट से पता चला कि ब्लैक क्यूब के एजेंट्स मैकगाउन की बातें रिकॉर्ड करते थे और उनके सभी पूर्व रिश्तों का लेखा जोखा रखते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे ब्लैकमेल किया जा सके। इन रिपोर्ट्स के बाहर आने के बाद क्या हुआ? वाइनस्टीन लगातार इन आरोपों को नकारता रहा, लेकिन मीटू का दौर आ चुका था। पब्लिक प्रेशर के चलते कई कंपनियों ने वाइनस्टीन के साथ नाता तोड़ दिया। कई बड़े एक्टर्स ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। चालू पिक्चरों की शूटिंग रोकनी पड़ी। अंत में जब मामला बहुत बढ़ गया तो वाइनस्टीन को उसकी अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। जल्द ही कंपनी दिवालिया भी हो गई। हार्वी का साथ देने वाला कोई नहीं बचा था। मई 2018 में उसकी पत्नी ने भी उसे तलाक दे दिया। जल्द ही कानून का डंडा भी सर पर पड़ा। एक एक कर वाइनस्टीन पर यौन उत्पीड़न के कई मुकदमे दर्ज हुए। मई 2018 में उसे पहली बार हिरासत में लिया गया। मुकदमों का दौर लगातार जारी रहा, एक के बाद एक केस दर्ज होते रहे। 2018 से 2020 के बीच तीन लड़कियों ने वाइनस्टीन पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया। साल 2020 में इन सभी मामलों की सुनवाई करते हुए न्यूयॉर्क की अदालत ने उसे 23 साल की सजा सुनाई। कभी रीढ़ तानकर चलने वाला वाइनस्टीन फैसले के दिन व्हीलचेयर पर बैठा था। अब सवाल ये कि हम आज आपको हार्वी वाइनस्टीन की ये कहानी सुना क्यों रहे हैं? इसका कारण है कि अभी भी वाइनस्टीन की काली करतूतों का इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस शहर में वाइनस्टीन पर एक और मुकदमे की शुरुआत हो गई है। वाइनस्टीन पर लॉस एंजलिस में 5 महिलाओं के रेप और यौन उत्पीड़न का इल्ज़ाम है। उनमें से एक का नाम है जेनिफर न्यूसम। न्यूसम कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम की पत्नी है। न्यूसम के अनुसार वाइनस्टीन ने सालों पहले उन्हें बिजनेस मीटिंग के बहाने बुलाकर उनका यौन उत्पीड़न किया। इसके अलावा 4 पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि साल 2013 में ऑस्कर अवार्ड्स के आसपास हार्वी ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर उनके साथ रेप किया। विडंबना देखिए कि साल 2013 में हुए ऑस्कर्स में वाइनस्टीन की 2 फिल्मों सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक और जेंगो अनचेंज्ड को ऑस्कर मिला था।
23 साल जेल की सजा काट रहे वाइनस्टीन को अगर इन मामलों में भी दोषी पाया जाता है तो उसे कुल 140 साल की सजा हो सकती है। एक खबर ये भी है कि हार्वी वाइनस्टीन की कहानी पर बनने वाली एक फिल्म जिसका नाम शी सेड है जल्द ही रिलीज होने वाली है। कभी फिल्में बनाने वाला वाइनस्टीन आज खुद एक फिल्म का सब्जेक्ट है। देखना होगा कि इस फिल्म को ऑस्कर मिलता है या नहीं। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभरात्रि। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।